नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे। हम लोग कल पढ़े हैं राज्य की राजधानी, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के बारे में, उपराज्यपाल नहीं, राज्यपाल के बारे में। आज हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश, उसकी राजधानी। तो बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जब हम 300, अभी तक तो आप लोगों को पता होगा कि जब 370 लागू हुआ तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो हमारे यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 26 जनवरी 2020 में ही, इसी साल, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि दादर और नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट पे अब कार्य भी हो चुका है, लगभग तैयारी भी हो चुकी है और मिला भी दिया गया है। तो इस वजह से अब हमारे पास, हमारे यहाँ कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो पहला क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार और चीज़ याद रखिए कि जो हमारे यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसको चलाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ पे उपराज्यपाल या एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वहाँ के जो प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर या जो प्रशासक होते हैं, वो चलाते हैं। ठीक है, तो पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। उसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? एडमिरल देवेंद्र जोशी जी हैं, एडमिरल देवेंद्र जोशी जी हैं। दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। इसमें आपको पता होगा हरियाणा और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो इस चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 3 ही समझ लीजिए जिले आते हैं। और इसके उपराज्यपाल जो होते हैं वो पंजाब के राज्यपाल ही यहाँ के उपराज्यपाल होते हैं, वही चलाते हैं इसके चंडीगढ़ को। तो वहाँ के आप कल पढ़े थे पंजाब के उपराज्यपाल, पंजाब के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर जी हैं। कौन है? वीपी सिंह बदनौर जी हैं। तो और फिर दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला दिया गया है। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या हो गई है? दमन हो गई है। पहले इनके पास 1 और 2 जिले थे, अब दोनों मिला के इनके पास कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए हैं। यहाँ के प्रशासक हैं, यहाँ पर प्रशासक कार्य करते हैं और इनको प्रशासक बोलते हैं। यहाँ के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी हैं। ठीक है, फिर आती है दिल्ली। भाई दिल्ली हमारी भारत की राजधानी भी है और दिल्ली हमारा एक राज्य में भी आ जाता है। ठीक है, तो हमारे दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? आपको पता ही होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं, बताइए हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हमारे जो दिल्ली के जो राजधानी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी हमारी दिल्ली ही हुई, भारत की राजधानी है। और उपराज्यपाल यहाँ पे हैं अनिल बेजाल जी, राज्यपाल भी हैं, उपराज्यपाल यहाँ पे क्या हैं? अनिल बेजाल जी हैं। और पुदुचेरी, अब आते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पुदुचेरी ही है। और उसके यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी, किरण बेदी जी IPS अधिकारी थी, किरण बेदी जी हैं। और लक्षद्वीप, अब लक्षद्वीप क्या है की राजधानी है? कवरत्ती। और यहाँ के प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री दिनेश्वर शर्मा जी। फिर जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों को अलग अलग किया गया था 9 अगस्त 2019 को इसको, लेकिन ये कार्यकारी प्रभावी कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हो गई थी। तो ये जम्मू और कश्मीर की जो है 2 राजधानियां हैं। देखिए हमने ऊपर S लिखा है ना, S मतलब समर और W मीन्स विंटर। तो श्रीनगर है समर यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का क्या है? श्रीनगर है। और विंटर यानी शीतकालीन राजधानी जम्मू है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नए बने हैं वहाँ पे, वही संभाल रहे हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। लद्दाख,
लद्दाख की राजधानी है लेह, लेह और यहाँ पे उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर जी। ये दोनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अभी जो अभी नए चुने गए हैं इस वजह से ये दोनों नाम ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों ये जो राजधानी केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी और उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेटर, इन लोगों के नाम आप लिखिएगा और याद करिएगा, अपनी कॉपी पे लिखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। तो बच्चों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।